बिस्मिल्लर असल हाँ जी बच्चों कैसे है आप लोग नहीं जी बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्सटीन और इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म अब ये दोनों चीजें क्या हैं असल में होता है कि हमारे पास ना कुछ आदाद लिखे होते हैं कुछ नंबर लिखे होते हैं तो उनको हमने तब्दील करना होता है साइंटिफिक शक्ल में जैसे कि ये सवाल लिखे हुए ये साइंटिफिक शक्ल में लिखे हुए तो इस साइंटिफिक शक्ल वाले जो नंबर्स होते हैं इनको हमने आम तरीके से लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है अभी हम करके देखेंगे और फिर एक सवाल ये आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जी होगी और उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म बनानी है अब वो देखें क्या होता है ये जो नंबर लिखा हुआ है ना ये साइंटिफिक फॉर्म है साइंटिफिक फॉर्म में ये होता है दो चीजें होती हैं जो आपने याद रखनी है एक तो 10 की पावर में कोई चीज लिखी जाती है ये साइंटिफिक फॉर्म uh, है ठीक है साइंसी तरीका है और दूसरी चीज जो उसके साथ जो नंबर लिखा होता है ना उसमें पहले हिंसे के आगे इशारिया होता है जैसे कि ये लिखा हुआ है फाइव तो पहले हिंसे के आगे इशारिया लिखा हुआ है और 10 की पावर भी बनी हुई है तो ये दोनों चीजें मौजूद हो तो ये क्या कहलाता है साइंटिफिक फॉर्म अब हमें ये करना है कि ये जो साइंटिफिक फॉर्म वाले जितनी भी ये शक्लें दी हुई हैं इन सवालों की हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे सबसे पहले आपने ये जो 10 की पावर है ना सात या जो भी पावर होगी इसको हल करते हैं सेवन पावर का मतलब ये होगा कि दस के जो जो जीरो है उसको आप सात दफा लिख लें देखें पहला स्टेप आपका ये बनेगा फाइव पॉइंट वन एट को लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखें अब वन लिख के ये जीरो है ना तो जीरो को सात दफा लिखें एक दो तीन चार पांच छ और सात पहला स्टेप ये होगा जितनी पावर होगी उतने जीरो आपने बना लेने हैं अब अगले स्टेप में आंसर आ जाना है और वो ये होना है कि आपने देखना ये पॉइंट किधर है इस पॉइंट को उतना आगे ले जाना है जितने ये हमारे पास जीरो है कितने जीरो थे सात जीरो थे ना तो ये पॉइंट सात हिंद से डिजिट आगे को जाएगा देखे कैसे फाइव वन और एट को लिख लें अब देखे पॉइंट था ना इधर ये इस जगह पे था तो दो हिंद से या दो डिजिट तो ये हो गया ना तो दो हो गए ना पूरे आगे चले तीसरा चौथा पांचवा छवा और ये सातवां उसके बाद पॉइंट तो यानी पॉइंट को सात हिंसे आगे को लेके जाना है क्यों क्योंकि यहाँ पे सात जीरो है और वो सात जीरो कहाँ से आए उसकी पावर में से आए और आमतौर पे ये होता है कि एंड पे अब पॉइंट लिखते भी नहीं है ठीक है जो आंसर होगा ना वो पॉइंट के बगैर ही होगा लेकिन ये भी एक अंडरस्टूड बात होती है कि जो भी रकम लिखी होती है ना उसके एंड पे पॉइंट जरूर होता है अभी एक दो और सवाल करते हैं और बेहतर आपको समझ आएगी अब ये वाला जो सवाल है यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ 10 के ऊपर जो पावर है वो माइनस में है अब माइनस वाली पावर को कैसे हल करेंगे उसके लिए एक दो स्टेप है जो और आप एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है ये देखें जरा ये जीरो लिख लिया ओके अब दस की पावर माइनस में है ना तो पहला काम तो आप ये करें कि इसको बटे में ले जाए ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो सके पिछली एक्सरसाइज में हमने ये चीजें समझी थी कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं माइनस पावर है ना तो पूरी की पूरी रकम उठा के बटे में ले जाए तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी अब ये दस की पावर दस है तो ये जो जीरो है उसको दस जीरोस बनाएं लेकिन नीचे बटे में यानी ये कैसे होगा ये ज़रा देखें नाइन पॉइंट टू ज़ीरो थ्री इंटू वन ओवर अब ये जाहिर है ओवर बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमने दस ज़ीरो बनाने हैं ना सो तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस ये जरा ध्यान से हमें इसको करना है अच्छा अब ये जो दस ज़ीरोज़ हैं ये नीचे हैं अब ये क्या करेंगे ये असल में इसको तकसीम करवा रहे हैं क्योंकि ये रकम ऊपर है नाइन पॉइंट टू जीरो थ्री और ये नीचे है अब जैसे पिछले सवाल में किया था कि पॉइंट को आगे को लेकर गए थे ठीक है अब ये चूंकि तकसीम हो रहा है ना यहाँ पे जरब था तो मल्टीप्लाई था तो पॉइंट उतना आगे चला गया यहां पे है डिवाइड तो पॉइंट उतना पीछे को जाएगा अब कितना पीछे जाना है पॉइंट ने जितने ये जीरोस हैं यानी ये दस दफा उसने पीछे जाना है तो क्या होगा हम इसको लिखेंगे अब लिखेंगे इधर करके क्योंकि रकम ने पॉइंट ने पीछे को जाना है तो हम ये जो नाइन और टू और जीरो और थ्री ये नंबर लिखा हुआ है ना इस नंबर को जरा इधर करके लिखते हैं अब देखे पॉइंट कहाँ पे है नाइन के आगे है ना तो नाइन से पीछे की तरफ चलना शुरू कर देना है हमने ठीक है बाएं तरफ उल्टी तरफ तो यहां से पॉइंट मूव करता हुआ जाना है कहां तक जाना है दस हिंसों तक तो एक हिंसा तो नाइन है क्योंकि इधर था ना पॉइंट तो एक हिंसा ये हो गया दूसरा ये हो गया हमारा जीरो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और दसवां और उसके बाद पॉइंट आपने लगा लेना और पीछे एक खूबसूरती का जीरो भी लगाया जाता है ये वाला जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये खूबसूरती के लिए होता है अब देखें गिन के देखें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये दस नौ के आगे था ना तो देखें दस चीजें पूरी हो गई तो अब मतलब फिर क्या हुआ कि जब ये डिवाइड वाला zeros होते हैं तो वो पॉइंट को पीछे को लेके जाते हैं और जब ये ऊपर वाले सवाल में मल्टीप्लाई वाले जीरो थे तो वो पॉइंट को आगे को लेके जाते हैं राइट right साइड पे लेके जाते हैं ये हमें ध्यान रखना है अब जरा देखें तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे भी ये टू पॉइंट वन सिक्स नाइन लिखा हुआ है और टेन की पावर एट लिखा हुआ है तो उसी तरह से टेन की पावर एट है तो हमने उसको क्या करना है आठ दफा जीरो लिख लेना है हम लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट और फिर आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो पॉइंट पड़ा हुआ है इसको आठ हिंसे आगे लेके जाना है तो तीन डिजिट या तीन हिंसे तो ये मौजूद है ठीक है ना वन सिक्स नाइन तीन चीजें तो ये पहले से हैं तो फिर कितनी पूरी करनी है आठ करनी है ना तो तीन पहले से हैं पांच जीरो और लगा लेंगे एक दो तीन चार और पांच और इधर पॉइंट पॉइंट लिखे ना लिखे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है वो आंसर में उसने यहां नहीं लिखा होगा पॉइंट ठीक है तो ये देखें इधर से पॉइंट चल के एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ आठ उसने पूरे कर लिए हैं क्योंकि यहां हमारे पास आठ जीरोस थे या ये कह लें कि आठ पावर थी उसकी तो जमा की जो पावर होती है पॉइंट आगे जाता है माइनस की हो पावर तो पॉइंट पीछे को जाता है ये टूट के आप इसको याद रख सकते हैं इसी तरह ये देखें ये वाला अगला पार्ट जो है ये भी इजी है दस की पावर पांच है तो सेवन पॉइंट टू लिख के तो पांच पावर है तो पांच जीरोस लिख लें ये देखें जी पांच जीरो लिख ली है और चूंकि जरब हो रहा है तो पांच डिजिट पॉइंट ने आगे जाना है एक डिजिट ये मौजूद है तो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और आगे एंड पे ना लगाएं कोई मसला नहीं है आगे की तरफ का इश्यू नहीं है पीछे जो है वो लाजमी पॉइंट लगाना होता है तो ये हमारा चौथा पार्ट भी हो गया सवाल के दो पार्ट रह गए हमारे पास इनको भी हम कर लेते हैं पांचवा पार्ट है 5.4 है और 10 की पावर चूंकि माइनस की 6 है तो पहले तो इसको बटे में ले जाए ना ताकि ये पॉजिटिव तो हो जाए और फिर उसी तरह से हमने इसको छ दफा जीरोज जो हैं वो लिखने हैं तो वन ओवर ऐसे बना के थोड़ा सा बड़ा और एक दो तीन चार पांच और छः जीरोस और चूंकि छः जीरोज हैं और डिवाइड करा रहे हैं तो पॉइंट ने पीछे की तरफ उल्टी तरफ जाना है पंजाबी में क्या कहते हैं खब्बे पासे ठीक <laughs> है तो इधर पॉइंट है कितने हिंसे जाना है छे तो एक हिंसा तो पॉइंट ये जो फाइव है ये हो जाएगा ना तो एक दो तीन चार पांच पांच जीरो लगाएंगे क्योंकि छवा हिंसा जो है वो पांच है ठीक है ना एक दो तीन चार पांच और ये छेवा हिंसा क्योंकि पॉइंट इधर था यहां से चल के इधर गया ठीक है और ये खूबसूरती का जीरो लगा ले तो ये भी हमारा हो गया और लास्ट वाला जो पार्ट है इसका इसमें दस की पावर माइनस बारह तो कोई मसला नहीं है बस करना ही है काम का तरीका तो वही है सारा फोर वन ज़ीरो फाइव और पहला स्टेप यही होगा कि उसको आपने ओवर में ले जाना है पॉजिटिव हो जाएगी पावर और अगले स्टेप में हमने इसको पॉइंट को पीछे की तरफ जो है वो ले जाना है लेकिन पहले हमें ये बनाने हैं ज़रा बटा बना के बारह पावर है तो बारह ज़ीरोज़ दिखाने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ठीक हो गया और आखिरी स्टेप में यही होगा देखें अब फाइव फोर वन जीरो फाइव ये जो पूरी रकम है थोड़ी इधर करके लिखेंगे क्योंकि पॉइंट ने पीछे को जाना है ठीक है पॉइंट इधर था तो ये कितने बारह है ना तो एक हिंसा तो ये हो गया तो ग्यारह जीरोज जीरो लगाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह ठीक है और फिर पॉइंट और जीरो खूबसूरती का ठीक है जी तो ये हमारा देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है साइंटिफिक को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाए जी अब उसका उल्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन मैंने लिख दिया एनओ है स्पेलिंग नोटेशन ठीक है साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है वही दस की पावर में लेके जाना है अब इसको कैसे करेंगे देखें इसमें सबसे पहले आपने ना ये जीरोज देखने हैं कितने है। ये यहां से काम आसान हो जाता है तो पहले आप ये जो जीरो के बगैर रकम है ना वो लिख लें और जरब निकाल लिख के और दस की पावर लिख लें या इसको ऐसे लिख लें चार जीरोज है ना तो चारों जीरोज को अलहदा कर लें ठीक है वन लिख के चार जीरो लैदा कर दें अब इससे क्या होगा कि ये जो चार जीरो आपने लैदा किया है ये दस की पावर फोर हो जाएगा जितने जीरो होंगे उतनी पावर बना लेंगे ना ठीक है अब एक और काम करना है कि देखिये मैंने कहा था कि जो भी नंबर लिखा होता है उसका पॉइंट किधर होता है उसका पॉइंट होता है एंड पे यहां पे तो आपने समझ लेना है कि इसका पॉइंट यहां पे है और मैंने क्या कहा था साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट किधर होना चाहिए पॉइंट होना चाहिए यहां पे पहले हिंसे के आगे पहला जो हमारा जीरो के बगैर वाला हिंसा होता है उसके आगे पॉइंट होना चाहिए तो इधर से पॉइंट जो के मौजूद है यहाँ पे इधर से चल के इधर आएगा तो कितने हिंसे वो टॉप के आना है उसने के आना है, दो हिंसे तो आपने इसको लिखना है 5.62 पॉइंट सिक्स टू इन टू टेन पावर ये पीछे को जा रहा है ना तो फिर आपने दो पॉजिटिव पावर उसकी लिख देनी है जितने हिंसे वो पीछे को जाएगा उतनी पावर आपने उसकी लिख देनी है और चार पावर तो पहले से मौजूद है अब देखें पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स को हम जमा कर लेते हैं तो जब पावर्स ये जमा हो जाएंगी तो फिर ये देखें आंसर बनेगा दस की पावर कितनी बन जाएगी चार और दो मिलके छे हो जाएगी तो ये है इसका आंसर दो चार और सवाल करेंगे और बेहतर समझ आएगी अब देखें यहां पे क्या है पॉइंट पीछे की तरफ है आगे की तरफ होता तो ये तो हम बड़े आसानी से ये चार जीरो लैदा कर दिए थे और उसको पावर बना ली थी अब पीछे है तो पीछे वाला जो है वो आप आप ये समझ लें कि आप इसका पॉइंट खत्म करवा रहे हैं जब भी किसी रकम का पॉइंट खत्म कराते हैं ना तो देखें ये पॉइंट के बाद जितने भी हिंसे होते हैं उतने जीरोज नीचे लगाते हैं ये पिछली क्लासों में हमने समझा हुआ है ये चीज कि पॉइंट के बाद जितने हिंसे उतने हम लगाते हैं तो कितने हिंसा हैं हिंसा किने एक दो तीन चार पांच छत तो आपने नीचे सात लगाने जीरो तीन चार पाँच छत और हाल जीरो तो नहीं होता ना सात वन भी तो होता है ठीक है पॉइंट को खत्म कराया पॉइंट के बाद जितने हिंसे हैं उतने जीरोस नीचे लगा लिए अब देखें जो नीचे जीरोस बने हैं ये पावर बन सकती है ना कितने सात जीरो लगाए थे ना तो ये बन जाएगा दस की पावर सात दस की पावर सात है तो इसको जरा उठा के ऊपर ले आए। तो यहीं पे स्टेप बना लेते हैं फोर्टीन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन नीचे से उठ के आया ना तो माइनस पावर आएगी क्योंकि नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी अब एक काम और करना है जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि पॉइंट हमने कहा था इधर मौजूद होता है और यहाँ से पीछे लाना है पहले हिंसे के आगे तो इसका भी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो उसको पहले हिंसे वन के आगे लाना है तो हम लिखेंगे वन ठीक है अब एक हिंसा पीछे गया है तो टेन की पावर वन जैसे हमने पीछे दो हिंसे पीछे लिए गए थे तो टेन की पावर टू लगाई थी तो वन लगाएंगे और साथ ये भी हमारे पास मौजूद है ठीक है और ये जगह जगह थोड़ी है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ वन पॉइंट फोर इन टू पावर्स को इकट्ठा ही करना है ना तो वन माइनस सेवन तो सात में से एक निकालेंगे छः आएगी पावर लेकिन माइनस की क्योंकि एक पॉजिटिव हो और एक माइनस हो तो चीज़ें मनफी होती हैं साथ में से एक निकालेंगे लेकिन अलामत बड़ी रकम की आती है अगर मैं आपको इधर लिख दूँ वन माइनस सेवन होता है तो इसका आंसर माइनस छः आता है क्योंकि वन जो है वो जमा का है तो एक जमा की रकम हो एक माइनस की हो तो फिर क्या करते हैं मनफी कराते हैं सात में से एक निकालेंगे छह और बड़ी रकम की अलामत लगाते हैं तो इसलिए अब ये आंसर आया इसका चले जी अगला सवाल करते हैं इसमें भी उसी तरह से ये आसानी है क्योंकि इसमें पीछे की तरफ पॉइंट नहीं है आगे देखें ये चार जीरो अलहदा हैं तो इनको कर लेदा आठ सात चार जीरो दो तो ये कितने हैं एक दो तीन चार ये लैदा कर दिए अब क्या करना है उसी तरह जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन हुआ था ना पार्ट उसी तरह से ये वाला हो रहा है एट सेवन फोर जीरो टू लिख के ये चार दफा जीरो हैं तो टेन की पावर फोर हो जाना है अब वही बात के इस रकम का पॉइंट इधर पड़ा हुआ है तो यहां से चल के उसने आठ के आगे आना है तो कितने हिंसे वो छलांग लगा के आएगा चार हिंसे हैं बीच में तो हमने जब लिखना है ना आठ अशारिया सात चार जीरो दो तो हमने लिखना है टेन की पावर फोर ये टेन की पावर फोर ये वाली नहीं है वो ये कहां से आई है वो पॉइंट को इधर से यहां लाए हैं हम तो चार डिजिट मूव किया है वो तो इसलिए टेन की पावर फोर है और ये वाला भी टेन की पावर फोर मौजूद है ठीक है अब पावर्स को इकट्ठा कर देंगे तो आखिरी स्टेप हमारा हो जाएगा एट पॉइंट सेवन फोर जीरो टू इंटू टेन की पावर चार और चार मिलके आठ हो जाएगी ये इसका आंसर बन गया जी चौथा पार्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही है इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं सेवन फाइव एट सिक्स कितने जीरोज हैं जीरो डायरेक्ट गिन के ना उतनी टेन की पावर बना लेते हैं तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह बारह जीरोज है ना तो हम लिख सकते हैं टेन की पावर बारह वरना वो ये उनको लैदा करते फिर पावर बनाते ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ फिर वही पॉइंट को इधर से चला के इधर लाना है तो बीच में तीन हिंस हैं तो हम लिखेंगे सेवन पॉइंट फाइव एट सिक्स इंटू टेन की पावर थ्री और साथ ये टेन की पावर ट्वेल्व भी मौजूद है तो ये लिख लिया हमने अब आखिरी स्टेप यही होगा कि सेवन पॉइंट फाइव एट सिक्स लिख के और इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे बारह और तीन कितने हो जाएंगे पंद्रह हो जाएंगे तो ये हमारा आंसर भी बन गया लो जी आखिरी दो रह गए हैं इनको भी देखते हैं बिल्कुल उसी तरह आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं फोर फोर सिक्स जीरो फाइव जहाँ तक हिंसे हैं वहाँ तक लेके जाते हैं और जितने ये ज़ीरोज़ हैं उनको टेन की पावर बना लेते हैं तीन और तीन दो आठ आठ लिख लेते हैं अब अगले स्टेप में पॉइंट इधर से उठ के इधर आना है तो एक दो तीन चार चार हिंसे हैं तो फोर पॉइंट फोर सिक्स जीरो फाइव टेन की पावर फोर और यहाँ पे 10 की पावर 8 और आखिरी स्टेप बनेगा 4. पॉइंट क्योंकि आप देखें ना सारे चीजें ये हम कर चुके हैं समझ चुके हैं आठ और चार इसने बारह हो जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम ये करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट इस तरफ है लेफ्ट की साइड पे है तो यहाँ पे वही स्टेप है कि आप पॉइंट को ख़त्म करा रहे हैं तो ये जो क्योंकि जीरोस को तो लिखते नहीं है ना नाइन नाइन फाइव को लिख लेंगे नाइन नाइन फाइव और बटे में जरा थोड़ा बड़ा ओवर या बटा बनाना पड़ेगा अब गिन लें कितने हैं पॉइंट के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सब को गिनना है तेरह तो नीचे फिर एक दफ़ा फिर बना लें तेरह जीरोज लगा लें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है अब अगले स्टेप में यही होगा कि इसको आपने टेन की पावर में तेरह थे ना तो टेन की पावर तेरह लिख देनी है अब अगले स्टेप में क्या होगा कि इसको आपने ऊपर ले जाना है स्टेप चले जगह थोड़ी है इसको ऊपर ले जाता हूं मैं इधर आ गए तो उसने मनफी का तेरह हो जाना है अब एक काम रह गया कि पॉइंट इधर से चल के यहां आना है तो दो से जाना है इसने तो मैं इसको लिखूंगा नाइन पॉइंट नाइन फाइव टेन की पावर टू और साथ पहले से टेन की पावर मनफी तेरह मौजूद है और आखिरी स्टेप क्या होगा नाइन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन की पावर ये टू माइनस थर्टीन ठीक है ये पहले भी मैंने समझाया है कि ये प्लस का दो है तो एक प्लस का एक माइनस का है तो फिर जाहिर है सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस होंगे तेरह में से दो निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा ग्यारह नाइन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन एज टू पावर इलेवन लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का बड़ी रकम की अलामत लगती है ठीक है बड़े रकम का जो साइन है वो उस लगेगा उसके साथ ले जी ये हमारे एक्सरसाइज डन हो गई चले जी ओके फिर अल्लाह हाफिज